बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है. जैसे कि मैंने और भी भोजपुरी फिल्म्स की है, ये मेरी पांचवी भोजपुरी मूवी है और उन सब में बहुत अच्छा कैरेक्टर है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. फुल मसाला है फिल्म के अंदर और मुझे बहुत मेहनत करनी इस मूवी के लिए. बहुत अच्छा लगा सब लोग, आप लोग ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं, इंडस्ट्री के सारे दिग्गज लोग आए हैं मुझे इस फिल्म के लिए ब्लेसिंग देने के लिए, तो मैं आज बहुत खुश हूँ. स्टोरी ये ओपन तो नहीं है स्टोरी, मगर सब कुछ सारा मसाला है और भोजपुरी को एक नया मोड़ मिलेगा. मेरी मैंने 4-5 फिल्म कर चुका हूँ ऑलरेडी भोजपुरी में और अच्छा अच्छा रिजल्ट है इसमें सारा मसाला. अभी एक्चुअली मैं डायरेक्टर ने सीक्रेट कर रखा है क्योंकि ये मुहूर्त है और फिल्म में 2 हीरोइन है और कास्टिंग भी हो गई है, एक प्रियंका है और एक सेकंड, तो वो ओपन होते ही हम लोग आप लोगों को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा मैंने अभी एक हिंदी फिल्म की है रिसॉर्ट, वो जनवरी में आ रही है. मेरी फिल्म आ रही है सावरिया मोई रख दे रानी चटर्जी के साथ अभी आफ्टर दिवाली और इंशाल्लाह आप लोग का आशीर्वाद रहा तो ये भी जनवरी तक आ जाएगी. ये मेरा एक लुक एक्चुअली में इस तरीके की स्टोरी है कि मैं एक गांव बाहुबली बोल सकते हैं आप, मोहल्ले का टपोरी बोल सकते हैं जो लोगों की मदद करता है और लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं मैं बच जाता हूँ. मेरे पास पूरे जितने भी शहर के वासी हैं सबकी दुआएं हैं, तो लाइक अग्निपथ आप बहुत सी फिल्मों को तोड़ के हम लोगों ने इसमें डाला है, आप लोगों को बहुत अच्छी नहीं रियल लाइफ में तो मैं छोटा हूँ, मुझे अभी खुद ही मदद की ज़रूरत है लोगों से. बस आप लोग की दुआएं चाहिए. इससे पहले मैंने अभी तक भोजपुरी, ये मेरी पहली फिल्म है भोजपुरी, इसके पहले मैं हिंदी में काम कर चुका हूँ, काफ़ी लोगों को असिस्ट कर चुका हूँ. अभी भोजपुरी के लेवल में मैं कुछ अच्छा देना चाहता हूँ, होप्स हो कि आप सब लोग को पसंद आएगा. इस फिल्म से तो सबको सब कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहता है, बट ऊपर वाला देखते हैं कितना हमारे झोली में भरता है, बट हम अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है, एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें भी हम किसको लेना चाहिए, किसको किसको कास्ट करना है, किसको क्या क्या, हर एक चीज़ कहानी से लेकर के आपको इस मूवी में हर एक मसाला मिलेगा. आपको मूवी में मसाला मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी. मैं इस मूवी को डायरेक्ट कर रहा हूँ और प्रोड्यूस कर रहा हूँ. ये मेरी भोजपुरी सुजाय फिल्म क्रिएशंस के द्वारा मेरी फर्स्ट फिल्म है भोजपुरी से, जो मैं प्रोड्यूसर डायरेक्ट कर रहा हूँ. फिल्म की प्लानिंग नेक्स्ट ईयर के फेब तक हम कोशिश करेंगे आप लोग तक पहुँचा सकते. इसमें सबसे पहले तो निसार खान है, जिन्होंने अभी उनके बहुत ही बेहतरीन मूवी गई थी शिव रक्षक करके आई थी, दिनेश जी ने डायरेक्ट किया था. और निसार खान है, साथ में अभी प्रियंका पंडित जी से बात चल रही है और बाकी के भी कुछ कास्ट हैं जो दे आ जाएंगे आपके सामने. हाँ, इसके बाद एक दो प्रोजेक्ट्स और हैं जो हम अभी नाम नहीं बता सकते, बट वी आर प्लानिंग टू डू दैट वेरी सून. लेट्स सी व्हाट. थैंक यू. इस फिल्म की टाइटल बहुत अच्छी है और शुभम सिंह जी डायरेक्टर हैं. मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो, अच्छी बने, अच्छी चले. पोस्टर से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बेहतरीन फिल्म बनेगी और एक नया डायरेक्टर हैं तो नई उमंग है, नई सोच है, तो फिल्म अच्छी बनेगी 100%. मेरी शुभकामनाएं उन लोगों के साथ हैं. और निसार भाई, हम अभी जस्ट फिल्म किए हैं मुहे रंग दे सांवरिया जो रिलीज पे. थैंक यू. जैसे कि फिल्म का नाम है किस्मत, तो मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें किस्मत का बहुत ही योगदान होता है. तो शायद आज फिल्म बन रही है किस्मत, तो इस फिल्म बहुत ही हिट होगी. और जैसे कि पूरी टीम यूथ है और डायरेक्टर यंग है और खैर एक नया जज्बा और पैशन, एक नई चीज़ें लेके आएंगे. तो जैसे कि फिल्म शुभम जी इसके हैं निर्देशक और निसार जी इसके हीरो हैं, तो मैं इन दोनों को और पूरी टीम को किस्मत के बधाई देता हूं. जैसे कि आज मुहूर्त है और ये फिल्म जल्दी ही आप लोगों के बीच में आएगी और खूब नाम कमाएगी और सुपरहिट होगी. जी थैंक यू. टाइटल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है, किस्मत वाला. और जैसा कि नाम है,
वैसा ही आगे भी मुझे लगता है कि होगा। किस पिक्चर की बोल? ये तो अभी जो कि शुभम जी हैं, जो उनकी पहली डायरेक्शन की फिल्म है, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है उनको, बहुत बहुत प्यार कि इसके ये पिक्चर को अच्छे से बनाएं और हमारे इंडस्ट्री को, जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, उसको और आगे बढ़ने में मदद करें। सर, आपकी फिल्म की बात करें, रानी दिलवर जानी, काफ़ी चर्चाओं में, तो कब तक आ रही है? नवंबर में रिलीज होने वाली है रानी दिलवर जानी। काफ़ी अच्छी पिक्चर है, 9 गाने हैं और इंडस्ट्री के सब अच्छी अच्छी नायिका लोग हैं, पाकी हेगड़े है, रानी चटर्जी है, सुबी शर्मा है, अन्ना सिंह है, सीमा सिंह है, काफ़ी है, माई खान है, जो भी बहुत पॉपुलर है अभी। हाँ, अभी मेरी पिक्चर चालू है कहानी किस्मत की। सबसे पहले सभी भोजपुरी दर्शकों को करण पांडे का नमस्कार। और जहाँ तक बात है किस्मत वाला में रोल करने की, तो वो तो अभी करेंगे ही करेंगे, बट उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर जैसे हमारी इंडस्ट्री में आए तो इंडस्ट्री को और अच्छा है। इनका शुभम सिंह, जो शुभम सिंह इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक भी हैं, और सह निर्माता रूहानी शर्मा जी, इन दोनों जन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना है। और निसार, जैसे कि मेरा छोटा भाई है, निसार को मेरी तरफ से बहुत बड़ा प्यार है, क्योंकि उसने मेरे साथ में अपनी फिल्म शुरू की थी, शिवरक्षक हम लोगों ने की थी। तो सारी टीम को, किस्मत वाला की सारी कास्ट एंड क्रू को किस्मत वाले की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, आपकी आने की फिल्म रिलीज हुई मोकामा जीरो किलोमीटर, मोकामा जीरो किलोमीटर के बारे में मैं क्या कहूँगा, वो तो जो कहना है तो दर्शक कह रहे हैं थिएटर में। और पहली ऐसी फिल्म है जो हम लोग 3 बार जाके देख चुके हैं पूरी तरह से, कि बिना किसी को बोले जाके थिएटर में बैठ के देख रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहती हूँ। और फिल्म का मुहूर्त हुआ है, निसार खान जी हीरो हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और इंडस्ट्री में अधिकतर सब लोग उनको जानते हैं, तो मैं उनको गुड विशेस देने के लिए आई हूँ। और डायरेक्टर है शुभम सिंह जी, मतलब न्यू डायरेक्टर है भोजपुरी में, पहली फिल्म है इनकी, और मैं इन सब लोगों को गुड लक कहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, क्योंकि अभी एक अच्छा दौर चालू हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री का, वैरायटीज़ आ रही हैं फिल्मों में, डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आई होप शुभम जी भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगा, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया नहीं है, बात हुई थी बट कुछ कंफर्म नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बुलाया और मैं आ गई। देखिए ना, मैंने अभी बाहर किसी को कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में बहुत बोलते ना कि डेंजरस तरीके से गरबे खेले जाते हैं, और मैं अहमदाबाद की हूँ, मैं वहीं पर मेरी पूरी फैमिली रहती है, तो कुछ ज़्यादा ही घातक तरीके से खेला है, तो पूरा बॉडी पेन, यहाँ दर्द वहाँ दर्द तो है, थकान काफ़ी ज़्यादा है। जी अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ होगी शहनशाह, रवि किशन जी, अंजना जी हैं, बागी इश्क इलाहाबाद से इस्लामाबाद, रानी चटर्जी जी हैं, 2-3 फिल्म हैं। ऑफकोर्स करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी भोजपुरी में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि निसार जी हैं जो हमारे हीरो हैं, उनके काम को भी ऑडियंस पसंद करेगी, इवन इफ शुभम जी के भी काम को पसंद करेगी, क्योंकि जितने नए लोग आते हैं उनके नए थॉट्स होते हैं, और भोजपुरी में अभी एक्सपांड हो रही हैं चीज़ें, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। मैं इस
फिल्म किस्मत वाले के सारे यूनिट को और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर शुभम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं महादेव से ये विनती करूँगा कि ये फिल्म बहुत ही हिट हो और इसके बाद एक के बाद एक फिल्में ये करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। शुभकामनाएं क्या आप सबकी वैसे चाहिए और कुछ नहीं, बाकी काम फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो देखते हैं अच्छा ही जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे भोजपुरी लैंग्वेज बहुत पसंद है तो मैं उसमें कुछ करना चाहती हूँ, तो सोचा कि वैसे कुछ नहीं कर सकती, मुझे सीखनी भी है, वैसे कुछ नहीं कर सकती तो ऐसे तो कुछ करूँ भोजपुरी को आगे लाने के लिए, तो इसलिए फर्स्ट टाइम कुछ कर रही हूँ तो इंशाल्लाह सब अच्छा ही हो। स्टोरी जब आपके पास आया तो क्या रिएक्शन है, स्टोरी देख के आपने क्या सोचा? स्टोरी बहुत अच्छी है तो स्टोरी के हिसाब से वो मूवी बहुत अच्छी जाएगी जितना मुझे पता है। भोजपुरी एक्चुअली यहाँ पे एक अवार्ड शो हुआ था, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी तो अच्छा लगा देख के, और सब भोजपुरी जो है मेरी फेवरेट, मतलब बोल सकते हैं उसे, मैं बहुत पसंद करती हूँ भोजपुरी को। मेरे को लैंग्वेज पसंद है, मैं वैसे किसी को नहीं जानती हूँ, बस ये निसार सर हैं जो इनको जानती हूँ मैं, और किसी को नहीं जानती हूँ। रानी चटर्जी का नाम सुना हुआ है और एक हैं वो आइटम सॉन्ग करती हैं सीमा सिंह, उनको मैं मिली हुई हूँ पर्सनली, बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी, अगर ये सक्सेसफुल हुई तो आगे चलता ही रहेगा, फिर आती रहेंगी, हर साल नई मूवी आएगी। राजपूत एंड रिसेंटली आई हैव डन अ शूट विथ निसार खान, दैट इज़ आवर हिंदी मूवी द रिसॉर्ट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू निसार एंड शुभम, दे आर माई गुड फ्रेंड्स फॉर द सक्सेस ऑफ किस्मत वाला। वेलकम। साइको है तो जिसको बोलते हैं कि किसी चीज़ को पाने, किसी चीज़ की पाने की चाहत में मतलब किसी हद तक जाना है, मतलब वो कब क्या रिएक्ट करे, कब खुश हो जाएगा, कब नाराज़ हो जाएगा, कब क्या कर देगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड, बहुत मतलब बहुत डिफरेंट रोल है। और उनके जो कैरेक्टर हैं शुभम सिंह जी और उसके प्रोड्यूसर भी हैं और हिंदी फिल्मों से हैं और यंग है तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, क्योंकि नया जोश है, नई हौसला है, नया उम्र है और बहुत कुछ अच्छा करेंगे, मिल के अच्छा करेंगे। हाँ, रियल लाइफ में भी क्या जो फिल्म में वही दिखलाते हैं हम, जो हमारे रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में भी प्यार, हंसी खुशी, सुख दुख, प्यार मोहब्बत, साइको, बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जो हम किसी एक ऐसी लड़की को चाहते हैं कि वो लड़की आपको नहीं चाहती, बहुत सारा, और आप उसके प्रति इतने दीवाने हो जाते हैं, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपरों में देखा होगा और अपने रियल मतलब अपने गांव मोहल्ले शहर में सुना होगा किसी लड़के ने किसी लड़के को तेजाब फेंक दिया या उसको जो है फ़ोन पे बुलाया, कहीं बुला के उसको जो है चक्कू से मार दिया, तो ऐसा बहुत सारी इस टाइप की घटनाएँ होती है, तो दैट्स अ साइको, वन साइडेड लव, बहुत सारा आपने सुना भी होगा, तो उसी पे आधारित एक फिल्म है, ये टाइटल भी बहुत अच्छा है किस्मत वाला, कि भाई हीरोइन उसी को मिलेगी जिसका किस्मत है। हाँ नहीं, हाँ क्या होता है कि जब प्यार एक सीमा से जब गुजर जाता है, प्यार की भी एक लिमिटेशन हो जाती है, क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की जिससे प्यार करती है वो लड़की भी उससे प्यार करती है और लड़का साइको भी होता है, ऐसा भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पजेसिव हो जाते हैं, पजेसिव हो जाता है तो आदमी ऐसा सोचने लगता है कि लड़की जो है
मुझे मतलब हमेशा मेरे साथ रहे, किससे फ़ोन कर रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, तो अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो भी आप साइको हो जाते हो। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, सीमा है, तो प्यार की भी एक सीमा होती है कि प्यार को एक हद तक ही प्यार करें, बहुत ज़्यादा प्यार कर लेंगे दैट्स अ साइको। जी बहुत सारी फिल्में, अभी हमारी भोजपुरी भी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, हिंदी भी आ रही है, हिंदी में आ रही है हेरा फेरी 3 आ रही है, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, परेश रावल, सुनील शेट्टी, एंड हिंदी की भी जो है मेरी मुकामा 0 किलोमीटर रिलीज हुई है, होगी प्यार की जीत अभी जो है 14 तारीख को लग रही है, और उसके बाद आपको आने वाली त्रिदेव और लुटेरे और आपकी जो है आन मिलो सजना, मेरी मोर बहुत सारी फिल्में आ रही मेरी। मैं अपने ऑडियंस को, जनता को यही कहूँगा कि दीपावली एक दिए का त्यौहार है और ये दिया उजाले का प्रतीक है। उजाला मीन्स ब्राइट शाइन, आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में प्रकाश दे, और जब आदमी के जिंदगी में प्रकाश होता है तो आदमी अच्छा सोचता है, अच्छा करता है और सफल होता है और खुश रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली का, और मेरी यही अपने ऑडियंस से प्रार्थना है कि जो है दीपावली का त्यौहार बड़े प्यार और हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और अपनी ज़िंदगी में तो उजाला करें ही, अपने दोस्तों, अपने जो है गांव, समाज, देश को उजाला करें।